के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। परिधि के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। चले भी सीधा रुख कर लेते हैं कोटा की ओर, जहां से खबर सामने आई है कि 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा की हत्याकांड के आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार अभी कोटा के अंदर रोष व्याप्त है। रोष इस तरह व्याप्त है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वह अभी भी फरार चल रहे हैं, और इसी को लेकर के कोटा को बंद भी आज किया गया है। क्या कुछ कोटा के अंदर स्थिति देखने को मिली है, सीधा दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा की हत्या कर कमरे में लटका कर फरार चल रहे आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई है। इससे कोटावासियों में भारी गुस्सा तो व्याप्त है ही, साथ ही कोटा व्यापार महासंघ ने पुलिस को घटना के बाद 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर 3 दिन में आरोपी टीचर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई तो कोटा बंद कराया जाएगा। सभी व्यापारी छावनी फ्लाईओवर के नीचे एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए छात्रा को श्रद्धांजलि दी है। सभी व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। कोटा बंद में सभी इमरजेंसी सेवाओं को बहाल करवाया गया है। बंद के समर्थन में कोटा के सभी पेट्रोल पंप भी 2 घंटे बंद रहे और सभी व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।